योर क्वेश्चन इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ही हैज टोल्ड सॉल्व. सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट इज योर फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मींस बाय द फैक्टर मेथड. तो फैक्टर मेथड स्टेट्स दैट ए सी इज इक्वल टू बी. ए सी इज इक्वल टू बी दैट मीन्स मल्टीप्लाई ए एंड सी. फर्स्ट वी विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दैट इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ तो ए सी इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. हियर इट इज माइनस 10. तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट माइनस 10. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 10. दैट इज 1 इंटू 10. फर्स्ट इज 1 इंटू 10. सेकेंड इज योर 2 इंटू 5. दैट्स ऑल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू विथ दिस टू टर्म्स? वी हैव टू मेक बी. बी इज योर 3 नाउ. तो यू कैन सी 1 प्लस और माइनस 10 नेवर गिव्स यू 3, बट 2 माइनस 5 गिव्स यू माइनस 3. 2 माइनस 5 गिव्स यू माइनस 3 एंड माइनस 2 प्लस 5 गिव्स यू 3. नाउ वी विल टेक दिस. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो इट विल नाउ कम एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 दैट गिव्स यू 0 नाउ. इन दिस टू विच इज कॉमन, तो दैट इज योर x. नाउ वी कैन राइट x प्लस 5. हियर माइनस 2 इज कॉमन, तो माइनस 2 अगेन इट कम्स एज x प्लस 5 दैट गिव्स यू 0. नाउ वी हैव टू टेक वन फ्रॉम द ब्रैकेट वन फ्रॉम द आउटसाइड. That is x minus 2 is equal to 0 and another is x plus 5 that is equal to 0. So by solving this, bring this minus to your right side, it will become a plus. So now your value is x is equal to 2 and here it will come x is equal to minus 5. So these are the two values, 2, minus 5.